आजकल एक नया ट्रेंड आप देख रहे होंगे, आपके फोन पर SMS, टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप जहां भी जाते हैं आपको एक एड, एक एडवर्टीजमेंट, एक स्पॉन्सर्ड इमेज, वीडियो, इट शूट्स इन योर फेस, इट कम्स इन योर फेस, और 90% ऑफ टाइम्स दैट इज अबाउट ट्रेडिंग। मैं हैरान हूं ये देखकर कि मैं जहां भी जाता हूं वहां हर कोई, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे वो होममेकर्स हो, चाहे वो ऑफिस गोइंग क्राउड हो, हर कोई ट्रेडिंग की बात करने लगा है। दिस मेक्स मी हैप्पी? आई डोंट थिंक सो। यू नो, इट रादर मेक्स मी कंसर्न्ड। रीजन इज, देयर वाज अ टाइम व्हेन ट्रेडिंग वाज एन ऑब्स्क्योर प्रोफेशन, यू नो, देयर वाज नॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक मेडिसिन, इट्स नॉट लाइक लॉ, जहां पर आप पढ़ के एक कॉलेज में जाके एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसको आप क्रॉस करके कहीं कुछ बन जाते हैं। बट एक टाइम था जब कुछ नहीं पता था किसी को इसके बारे में, राइट? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हम बिल्कुल उसके अपोजिट 180 डिग्री पर खड़े हैं, टू मच इंफॉर्मेशन। एंड टू मच इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग बिकॉज दैट टू मच इंफॉर्मेशन इज बायस्ड इंफॉर्मेशन। दैट टू मच इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली मोनेटाइज्ड इंफॉर्मेशन। हर किसी का एक, मुझे याद आता है कि पहले मेरे फादर के टाइम पे उनका थॉट प्रोसेस था कि ट्रेडिंग तो जुआ है, ट्रेडिंग तो सट्टा बाजार है, है ना, शेयर मार्केट सट्टा है। आज के टाइम पर ही उल्टा हो गया। आज के टाइम पर लगता है कि ट्रेडिंग तो इजी मनी है, क्विक मनी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप जहां देखते हो, जहां सुनते हो, हर जगह ऑप्शन 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 ऑप्शन, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, ये कर लिया, बैंक निफ्टी निफ्टी। मुझे डर इसलिए लगता है, मुझे बुरा इसलिए लगता है, ये जो वर्ड्स है ना, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, ये बहुत बाद में आते हैं। आप ABCD को पूरा स्किप करके सीधा XYZ पे पहुंच गए। मुझे डर इसलिए लगता है। और आप जानते हैं कि आपको ABCD किसी ने क्यों नहीं बताई, क्यों नहीं पढ़ाई, कोई क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? क्योंकि ABCD में पैसा नहीं है, क्योंकि ABCD में आपको भी एक्साइटमेंट नहीं है। ये ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये गलती बेचने वालों की है, ये टिप्स, TFS has always been against tips, against calls, against all this, ye khareed lo, ye bech lo. It has never been like that. We have, right from the starting, we have been an education community. Humne aaj tak kabhi ye nahi kaha ki ye stock, ye share, ye call, ye put, kabhi nahi. Na kabhi kahenge. Aur shayad isi liye, itne saalon mein bhi TFS Facebook group 25,000 par hi khada hai. 25 lakh par khada hota, agar hum ye sab kar rahe hote. तो मुझे डर इस बात का है, मुझे डर यह लगता है कि वो सारे बेसिक स्किप करके आप जहां पहुंच गए हो, वो जो प्लेग्राउंड है वो बहुत बड़े लोगों का प्लेग्राउंड है, वो उन लोगों का प्लेग्राउंड है जिन्होंने अपनी जिंदगियां खपा दी हैं इस बिजनेस में। इस वीडियो सीरीज से जो अभी हम करंटली बना रहे हैं, TFS टॉक्स हमने इसको नाम दिया है, हम इसमें बहुत सारे वैरिड टॉपिक्स पे बात करेंगे। ट्रेडिंग, ऑफकोर्स ट्रेडिंग विल बी द मेन थीम, राइट? आप ये समझ के चलो कि ट्रेडिंग विल बी द बैकबोन ऑफ, इफ दिस वीडियो सीरीज इज अ पर्सन, ट्रेडिंग विल बी द बैकबोन, राइट? सब कुछ बाकी उसकी ब्रांचेज होंगी, उससे निकलेगा। उससे क्या निकलेगा? उससे लाइफ निकलेगी, उससे बिजनेस निकलेगा, उससे एंटरप्रेन्योरशिप निकलेगी, उससे हाउ टू थिंक निकलेगा, उससे डिसीजन मेकिंग निकलेगी, प्रोडक्टिविटी निकलेगी, सब कुछ निकलेगा। बट ट्रेडिंग विल ऑलवेज बी द थीम। तो वेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, मुझे हमेशा कहीं ना कहीं ये लगता रहा, लगता है, अभी भी लगता है कि राइट इंफॉर्मेशन की कमी है। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं, बट राइट इंफॉर्मेशन की कमी है। मैं पर्सनली जब भी कोई वीडियो देखता है, स्पॉन्सर्ड एड्स देखता हूं, कुछ भी देखता हूं, ऐसा थोड़ी था कि हम ये नहीं कर सकते। हम भी कर सकते हैं, हम भी फेसबुक पर स्पॉन्सर्ड एड्स में आ सकते हैं, यूट्यूब पर आ सकते हैं। बट आप ये देखोगे कि आज इस स्टेज पर आकर भी, 7 साल बाद भी, TFS इनमें से कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा करके ना हम एक गलत ऑडियंस एक्वायर करेंगे। आप ये देखना मेरी बात कि मैं यहां पर ये कितनी ना काउंटर बात कर रहा हूं। मैं खुश नहीं कर रहा आपको, मेरा जॉब आपको खुश करना नहीं है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं। एक टीचर का जॉब एक स्टूडेंट को खुश करना नहीं हो सकता। एक टीचर का जॉब एक स्टूडेंट का वेलबींग के बारे में कंसर्न होना हो सकता है। आपको खुश कौन करेगा? आपको खुश करेगा सेल्समैन, आपको खुश करेगा जिसको कुछ बेचना होगा। मैं तो आपको कड़वी गोली भी दूंगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं आपको इंजेक्शन भी लगाऊंगा, मैं आपकी सर्जरी भी करूंगा। तो मेरा जॉब आपको खुश करना नहीं है, इसलिए मैं ना ये कह सकता हूं बिना डरे कि ये आपको एरोगेंट लगेगा। राइट ऑडियंस चाहिए मुझे। तो क्या रॉन्ग ऑडियंस भी होती है? हाँ होती है।
रॉन्ग ऑडियंस वो है, हम इन लोगों की बहुत बुराई करते हैं कि ये टिप्स बेच रहे हैं, कॉल्स बेच रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी सीख लो, दो दिन में पैसा डबल, तीन दिन में पैसा डबल, एक्सपायरी स्पेशल, जीरो टू हीरो, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे, ये सब पागल बनाने के वर्ड्स हैं, यही है ना। मगर क्या है कि ये क्यों आया? आपको लगता है कि ये उन लोगों की गलती है जिन्होंने क्यूरेट किया? नहीं, किसकी गलती है? आपकी गलती है, आपकी गलती है। मैं बहुत रिवोल्यूशनरी बात कर रहा हूं, बैकलैश भी हो सकता है, हो जाए, बट ये आपकी गलती है। बनेगा वही, सप्लाई वही होगा जो डिमांड होगी। ये आपकी डिमांड थी, मे बी कॉन्शियस डिमांड ना हो, लेटेंट डिमांड हो, आपको खुद ना पता हो। सबकॉन्शियस डिमांड है। सबकॉन्शियस डिमांड क्या है पता है? सबकॉन्शियस डिमांड है टू बी रिच क्विक। इस सबकॉन्शियस डिमांड ने जनरेशंस ओवर जनरेशंस अलग अलग इंडस्ट्रीज को जन्म दिया है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो पोंजी स्कीम्स हो, चाहे वो लॉटरी हो। उस सब के पीछे अगर आप घुसोगे तो क्या है? आपकी डिमांड टू बी रिच क्विक। और जब आप कुछ मांगोगे तो देने वाले तो होंगे ही ना। हां, वो गलत है, बट आप भी गलत हो। तो क्या करना है? करना यह है कि एक्सपेक्टेशंस राइट करनी है कि ट्रेडिंग क्या है, क्या ट्रेडिंग सट्टा है? नहीं है। ट्रेडिंग सट्टा उनके लिए है जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने ये शेयर लिया, बेचा, क्यों लिया, क्यों बेचा, पता नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, ऑप्शंस की बातें करते हैं, राइट, उनको ये तक नहीं पता थीटा क्या होता है, उनको ये तक नहीं पता टाइम डिके क्या है, डेल्टा क्या है, कुछ नहीं पता। किसी ने कहा था ये खरीद लो बढ़ जाएगा, और यू नो आई ऑलवेज से द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी बिगिनर, द वर्स्ट थिंग इज दैट ही टेक्स हिज फर्स्ट ट्रेड एंड मेक्स मनी। इफ यू टेक योर फर्स्ट ट्रेड एंड यू मेक मनी, आप पूरी तरह से बह गए। आपको ये लगने लगा कि कोई स्किल तो चाहिए ही नहीं, इससे ज्यादा आसान रास्ता क्या हो सकता है। मगर मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूं, मैं बेसिकली टारगेट कर रहा हूं उन लोगों को जो लॉजिकल हैं, जो सोचने की क्षमता रखते हैं, कि ट्रेडिंग जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस एक बिजनेस है। क्या आप एक जूते का शोरूम खोलते हुए ये सोचते हो कि मैं एक जूते का शोरूम खोलूंगा एंड आई विल गेट रिच क्विक? एक मैकडी खोलने में भी 2-3 करोड़ लगते हैं, क्या आप ये सोचते हो कि आई विल गेट रिच क्विक? ट्रेडिंग ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी काम ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको वादा करती है टू गेट रिच क्विक, वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती। तो द आइडिया इज टू सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट। मैं जो सारी यहां बातें करूंगा, सब कुछ करूंगा, टाइम टाइम पर कड़वी बातें करूंगा। जब बचपन में माँ हमें जगाती थी, मम्मी जगाती थी, पापा जगाते थे, उस समय पर ना वो बुरे लग रहे होते थे, अरे मम्मी सोने दो ना, सोने दो ना। नींद प्यारी होती है हर इंसान को, चाहे वो नींद फिजिकल नींद हो, चाहे वो नींद मेंटल नींद हो, चाहे वो नींद एक थॉट की नींद हो। हर कोई अपने स्टेटस को में रहना चाहता है, क्योंकि स्टेटस को तोड़ना एक रिवोल्यूशनरी प्रोसेस है, और रिवोल्यूशनरी प्रोसेस कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती। मैं यहां क्यों आया हूं, मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूं, ये वीडियोस क्यों करूंगा, क्योंकि मैं आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर लाना चाहता हूं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन एक झूठ की बुनियाद पर टिका है। ट्रेडिंग इज नॉट ईजी, मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग इज नॉट ईजी, ट्रेडिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम, ट्रेडिंग इज अ बिजनेस एंड अ बिजनेस गिव्स रिटर्न्स इन परसेंटेजेस एंड दोज परसेंटेजेस कैन नॉट बी 100% इन अ डे, 100% इन अ वीक, 100% इट कैन बी, बट दैट्स एन आउटलायर थिंग, यू नो इट्स नॉट अ सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया। अब ये जो बात आती है कि ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग सट्टा है, एक्चुअली जब हम सोचते हैं जुआ, गैम्बलिंग, सट्टा, सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड सट्टा है, मे बी, किसके लिए? आपके और मेरे लिए, जिसको उसके बारे में कुछ नहीं पता। जब आप वर्ल्ड पोकर चैंपियनशिप्स देखोगे, आप देखोगे कि हर साल वही 4-5 लोग चैंपियनशिप के फाइनल में आते हैं। वही एक पूल है 10-12 लोगों का जो सेमीफाइनल तक पहुंचे, जो फाइनल्स में आए। क्यों? इट मीन्स इट्स अ स्किल। इट मीन्स हर बार वो लोग रिपीट क्यों रहे हैं? क्योंकि इट्स अ स्किल, दे हैव दैट स्किल। तो आइडिया इस पूरी वीडियो सीरीज से ये है, वो स्किल जनरेट करना। बट देखिए, हम स्किल की बात ना तभी कर पाएंगे जब आप एटलीस्ट ये मानेंगे तो कि ये बिजनेस है, कि हाँ इट हैज टू बी लर्नड, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहला कदम है सिखाने के प्रति। जब TFS शुरू किया, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की TFS की जेनेसिस के बारे में, तो जब हम ट्रेन फॉर सक्सेस शुरू हमने किया तो वो एक फेसबुक ग्रुप था, अभी भी है, हमारी शुरुआत फेसबुक से हुई, यूट्यूब पर गए। बट एक ना मुझे पोस्ट करते हुए, सब कुछ करते हुए, एक कंस्ट्रेंट लगता है। कंस्ट्रेंट क्या है कि मैं रियल टाइम में अपनी बात नहीं कह पा रहा हूं। मुझे कुछ ऑडियो, सबसे आसान क्या है, मैं गाड़ी में चल रहा हूं,
मेरे को अचानक एक थॉट आया, आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू पिकअप माई फोन इमीजिएटली से समथिंग एंड सेंड इट टू यू. वो नहीं हो पा रहा था फेसबुक पे, राइट. मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैंने कोई चार्ट देखा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक लेना है, आई एम सेइंग मैंने एक चार्ट देखा. मैं बताना चाहता हूं कि मैंने क्या देखा, ताकि आप उसको रेप्लीकेट कर पाओ और चार्ट्स में. मैं फेसबुक पर ये रियल टाइम में नहीं कर पा रहा था. ये जो नीड थी ना और सिखाने की और डीप घुसने की, इसने एक और चीज को जन्म दिया जिसका नाम है TIC. आप सब लोग जानते हैं TIC के बारे में, द इनर सर्कल. TIC को भी आज 5 साल हो गए हैं, तो TFS को 7 साल, TIC को 5 साल. वी हैव ट्रेंड ओवर 4000 पीपल इन TIC टिल डेट. अभी भी TIC में हजारों लोग हैं जो डे इन डे आउट जुड़े हुए हैं. मेरे मेंटल थॉट्स, मेरे नगेट्स, ट्रेडिंग थॉट्स, लाइव थॉट्स, रियल टाइम वर्क, वीडियोस, ऑडियोस, पोस्ट्स, चार्ट्स, एवरीथिंग. यू नो इट्स नॉट अ कोर्स. TIC इज नॉट अ कोर्स. इट्स नॉट अ स्टैटिक डेड बॉडी. अ कोर्स इज अ डेड बॉडी, राइट. अ बुक इज, व्हेन यू रीड अ बुक, द राइटर इज नॉट सिटिंग विद यू टू सॉल्व योर क्वेरीज. आप उस बुक को अगर पढ़कर कुछ गलत भी इंटरप्रेट कर लेते हैं, कर सकते हैं ना, उसको सही करने वाला आपके साथ नहीं बैठा है. आप पूरी जिंदगी गलत इंटरप्रिटेशन लेके भी जी सकते हैं. TIC वहां डिफरेंशिएटेड है. TIC सिर्फ एक 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 स्टैटिक कोर्स नहीं है. TIC एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, एक कम्युनिटी है, जहां पर हम दिन रात, जहां पर मैं आपके साथ हूं, 24 घंटे मैं आपके साथ हूं. और आप TICN से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे. रात को 3 बजे भी मैसेज आता है, सुबह 6 बजे भी मैसेज आता है, यू नो. तो मैं पोस्ट कर रहा हूं, मैं चार्ट्स कर रहा हूं, रियल टाइम वर्क कर रहा हूं, लाइफ नगेट्स शेयर कर रहा हूं, बिजनेस नगेट्स शेयर कर रहा हूं, ट्रेडिंग शेयर कर रहा हूं, वीडियोस बन रहे हैं, 3-3 घंटे के वीडियोस हैं, 1-1 घंटे की ऑडियो टॉक्स हैं. वो फेसबुक में नहीं हो सकता था, वो TIC में हो सकता था. अब प्रॉब्लम क्या है, TIC में भी ना हम इतना तो एज्यूम कर रहे हैं कि आपको कुछ तो पता है. यस, इट इज बिगनर फ्रेंडली, कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली. बट ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको ये पता है कि शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, कंपनीज क्या होती हैं, चार्ट्स क्या होते हैं, यू नो, बेसिक आइडिया. मगर मुझे लगा एक वो तबका भी है, एक वो सेगमेंट भी है जिसको शायद ये भी बताना पड़ेगा, राइट. तो दिस वीडियो सीरीज, यस, हम बड़े बड़ी बातों के बारे में भी बात करेंगे, मगर हम छोटी छोटी बातों के बारे में बात करेंगे. हम ये भी बात करेंगे कि शेयर्स होते क्या हैं, क्यों होते हैं, ट्रेडिंग होती क्या है, क्यों होती है, इन्वेस्टिंग क्यों है, ट्रेडिंग क्यों है, क्या फर्क है, क्या फर्क है भी या नहीं. हम इस TIC एक टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम है, बट टेक्निकल एनालिसिस क्यों, हम वो भी बात करेंगे. तो ऑल इन ऑल ये पूरी वीडियो सीरीज, जो कि मुझे खुद नहीं पता कितने वीडियोस बनेंगे, शायद बनते ही रहेंगे, मेरे थॉट्स, जो भी मेरे मन के अंदर है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं. और एक चीज जो हमेशा मेरे साथ जाती है, जो लोग मुझे देखते आए हैं, वो है अनस्क्रिप्टेड कैंडिड टॉक. ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है बात दिल से दिल तक तभी पहुंचती है जब कोई स्क्रिप्ट इन्वॉल्व ना हो. हम अपने रिश्तों में कोई स्क्रिप्ट लेकर तो नहीं चलते, तभी रिश्ते बनते हैं. तो ये रिश्ता भी तभी बन पाएगा आपका और मेरा, जब हम ऐसे ही बात करेंगे, राइट. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस सीरीज ऑफ TFS टॉक्स, वेयर इन आई वुड सेट द टोन ऑफ व्हाई ट्रेडिंग, हाउ ट्रेडिंग, राइट, हु कैन बी अ ट्रेडर, एंड इफ यू आर नॉट दैट पर्सन, हाउ कैन यू बी दैट पर्सन, यू नो, इट्स अबाउट यू. तो दिस इज द जर्नी दैट वी आर गोइंग टू अंडरटेक, एंड आई एम रियली श्योर दैट यू विल एंजॉय इट एज मच एज आई एम.